हरियाणा कांग्रेस विधायक दल उपनेता व नूह विधायक चौधरी आफताब अहमद कल मेवात के जाटका सिसोना पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद मोनू के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हिम्मत बधाई। विधायक शहीद के दादा हरचंदा से भी मिले और कहा कि सारे मेवात इलाके को शहीद मोनू की शहादत पर नाज है। ऐसे बहादुर शहीद न केवल इलाके की बल्कि देश के लिए फख्र की बात है। बता दें कि भारतीय सेना के जवान मोनू हाल ही में शहीद हो गए थे, उससे मेवात सहित प्रदेश में गम का माहौल है। नू विधायक चौधरी आफताब अहमद ने कहा है कि वो माता पिता बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके बच्चे देश के लिए शहादत प्राप्त कर लेते हैं। शहीद मोनू के जाने का हमें गम है, लेकिन उनकी शहादत पर हमें फख्र है। विधायक चौधरी आफताब अहमद ने कहा कि पूरा इलाका व पूरा प्रदेश वीर सैनिक मोनू व उनके परिजनों के साथ खड़ा है। उनकी शहादत समाज को प्रेरणा देती रहेगी। कांग्रेस हर सैनिक के साथ खड़ी है। आफताब अहमद ने कहा है कि मेवात का इतिहास गौरवशाली रहा है और हमेशा देश के लिए बलिदान दिया है। आज भी मेवात बलिदान में आगे है और देश की सीमाओं पर व देश के अंदर भी मेवाती अपनी जिम्मेदारियों को पूरी गंभीरता से निभा रहे हैं। नूह विधायक चौधरी आफताब अहमद ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि शहीद के परिवार को नौकरी और उचित आर्थिक सहायता दी जाए, ताकि उनके परिवार को सहारा मिल सके। शहीद के परिवार के साथ वो और उनकी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खड़ी है। मौके पर से ही विधायक आफताब अहमद ने जिले के डीसी से फोन पर बातचीत की और शहीद के परिवार के लिए हर सम्मान देने की मांग की, जिस पर डीसी से विधायक को पूर्ण आश्वासन दिया गया। इस दौरान इलाके के काफी जिम्मेदार लोग विधायक आफताब अहमद के साथ मौजूद थे। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। तो फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।